समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज दिल्ली में हैं। अपने दिल्ली दौरे के दौरान उनकी सियासी मुलाकातों पर तमाम राजनीतिक पंडितों की निगाहें हैं। माना जा रहा है कि आज वह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर सकते हैं। कयास ये भी है कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और सपा के बीच गठबंधन हो सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दखल बढ़ाने के लिए दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की सीटों पर खास मंथन कर रहे हैं। दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने से पहले 2011 में समाजसेवी अन्ना हजारे के साथ अरविंद केजरीवाल ने जन लोकपाल बिल को लेकर बड़ा आंदोलन किया था। इस आंदोलन में दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के जिलों से तमाम लोग शामिल हुए थे और अब आम आदमी पार्टी इसका फायदा उठाना चाहती है। उत्तर प्रदेश में बीते एक साल से सक्रिय आम आदमी पार्टी के प्रभारी संजय सिंह लगातार अलग अलग मुद्दों पर उत्तर प्रदेश सरकार को घेर रहे हैं। 3 दिन पहले अखिलेश यादव से संजय सिंह ने मुलाकात भी की थी। सपा चीफ अखिलेश यादव ने भी अपने बयानों में कहा है कि वे उत्तर प्रदेश में सक्रिय छोटे दलों के साथ गठबंधन करने जा रहे हैं। ऐसे में आपके साथ गठबंधन करने को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं। अखिलेश यादव ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि वह किसी भी राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन न करके छोटे छोटे जातीय और क्षेत्रीय दलों से गठबंधन कर सकते हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने 7 माह पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। तब उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली क्यों आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ सुविधाएं नहीं हैं। अगर दिल्ली में सुविधाएं तैयार की जा सकती हैं तो उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में अब तक गंदी राजनीति हुई है, ऐसे में अब उन्हें नया मौका मिलना चाहिए। बीते दिनों आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह लखनऊ में सपा मुख्यालय पर अखिलेश यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे। उन्होंने अखिलेश यादव से करीब 45 मिनट तक अकेले में मुलाकात की। उस समय गठबंधन के सवालों को टालते हुए संजय सिंह ने कहा था कि वे आने वाला समय बताएगा, लेकिन उसके बाद के बयानों में उन्होंने गठबंधन की संभावनाओं से इनकार नहीं किया है। अब अखिलेश यादव और केजरीवाल की मुलाकात होती है या फिर नहीं, या दोनों के बीच क्या कुछ समझौता होता है, इस पर राजनीतिक जानकारों की निगाहें टिकी हुई है।